नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है धारावी रीडेवलपमेंट को लेकर, जो एक यूथ स्लम क्लस्टर है। अदाणी ग्रुप ने लंबे समय तक डिलेड धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बीच जीत ली है, जिसका एम मुंबई में प्राइम कॉमर्शियल लैंड पर लोकेटेड यूथ स्लम क्लस्टर को बदलना है। आप यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अदाणी प्रॉपर्टीज विंस धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट राइट्स विथ ₹5,069 करोड़ बिड। ये रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी जाती है, क्योंकि धारावी का लोकेशन मुंबई में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर मिलेगा और इसके रीडेवलपमेंट में आपको मेजर इन्वेस्टमेंट्स भी देखने को मिलने वाली है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट धारावी और वहाँ के लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले इस चीज को कन्फर्म किया गया था धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SVR श्रीनिवास के द्वारा। अदाणी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए 5069 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इसके बाद DLF ग्रुप ने 2025 करोड़ रुपए की बोली लगाई। ओनली यही दो ग्रुप्स थे जो फाइनल बिडिंग में क्वालिफाइड हुए थे। थर्ड नमन ग्रुप था, लेकिन ये नहीं बना सका और अदाणी ग्रुप का कोटेशन हाई था, इसलिए ये प्रोजेक्ट अदाणी ग्रुप ने जीत लिया। क्योंकि गवर्नमेंट की स्टिप्यूलेटेड मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी ओनली 1600 करोड़ रुपए, मतलब कि 1600 करोड़ के ऊपर किसी का कोटेशन है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसकी लोकेशन दिखाती हूँ। यहाँ पर आप मैप में देखिए तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये पूरा धारावी का एरिया है। इसकी लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये मुंबई के मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया बांद्रा से बहुत क्लोज है। आपने नाम सुना होगा BKC, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ये इंडिया में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जमीन के दाम बहुत ज्यादा होते हैं, और ये धारावी BKC के बिल्कुल बाजू में लोकेटेड है। मतलब BKC के अलग अलग ब्लॉक है जो धारावी सराउंडिंग में आपको मिल जाते हैं। अब BKC में बहुत महंगे ऑफिसेस देखने को मिलते हैं, बहुत ही महंगी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। उसके बाजू में ही ये धारावी एरिया लोकेटेड है, और ये बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 600 करोड़ में फैला हुआ है ये एरिया। इस पूरे एरिया में काफी सारी इंडस्ट्रीज भी देखने को मिल जाती है। हालांकि ये इंडस्ट्रीज इनफॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर लेदर एंड पॉटरी इंडस्ट्री बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिलेगी, जिसमें वहाँ पर लगभग 1 लाख लोग नौकरियां करते हैं। ये धारावी स्लम आज से 1.5-2 साल पहले शुरू हुआ था, जिस टाइम पे यहाँ पर मछुआरे ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मुंबई आगे बढ़ने लगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज देखने को मिली, तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स भी यहाँ पर आके रहने लगे। फिर एरिया में वृद्धि हुई, पुअर रूरल इंडियंस अर्बन मुंबई में चले गए। आज के डेट में कहा जाता है कि लगभग 6 लाख से 1 मिलियन आसपास लोग हैं जो धारावी में रहते हैं, और यहाँ पे लिविंग कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का प्रपोजल रखा गया था। स्टेट गवर्नमेंट का मानना था कि इस पूरे एरिया को बेहतर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्लस्टर हाई राइजेस में ट्रांसफॉर्म करना है, जिसमें 68,000 लोगों को रिसेटल करेंगे और जो स्लम ड्वेलर्स है जिनके यहाँ कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी रिसेटल करेंगे। स्टेट ने यह कहा था कि अगर आपका स्लम स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2000 से पहले एग्जिस्टेंस में है, तो उस केस में जो भी यहाँ पर नया घर बनेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अगर आपका स्लम स्ट्रक्चर 2000 से 2011 के बीच में सेटल हो गए हैं, तो उस केस में आपको पैसा देना पड़ेगा। ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दरअसल बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था। 1999 के टाइम में जो BJP सेना गवर्नमेंट थी, उन्होंने पहली बार रीडेवलपमेंट धारावी का प्रपोजल रखा, लेकिन ये प्रपोजल को इतना अट्रैक्शन नहीं मिला। इसके बाद 2003-04 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने धारावी को एक इंटीग्रेटेड प्लान टाउनशिप से रीडेवलपमेंट करने का निर्णय लिया, और ये एक्शन प्लान को अप्रूव कर दिया गया। लेकिन 2011 में इन सभी प्लान्स को रिजेक्ट कर दिया गया और एक मास्टर प्लान तैयार किया, लेकिन ये मास्टर प्लान के तहत कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। फिर 2018 में BJP सेना गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया धारावी के लिए, और इसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नोटिफाई किया गया। बाद में ग्लोबल टेंडर्स इन्वाइट किए गए। 2018 में ऐसा लग रहा था कि अब रीडेवलपमेंट होने वाला है। जनवरी 2019 में दुबई बेस्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म सिकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, जिसने ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया था, उस टाइम पे अदाणी ग्रुप इस बिड को हार गए थे, और यहाँ पर फैसला लिया गया कि रेलवे लैंड को इंक्लूड किया जाए, इसलिए दुबई बेस्ड फर्म ने टेंडर कैंसिल कर दिया। उसके बाद महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस सामने आ जाती है। बाद में 2020 तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए CM बन जाते हैं। उस टाइम पे सारे मुद्दे को सोल्व किया गया और फ्रेश टेंडर को इन्वाइट किया गया था, और ये फ्रेश टेंडर में अदाणी ग्रुप विनर बन जाता है फॉर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।